गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे विल बी टीच सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड 2। आज के वीडियो में हम 5 सेंटेंस ऑन माय फैमिली के बारे में 5 सेंटेंस डिस्कस करेंगे। ओके, माय फैमिली आपको ये कॉम्पो है, ये आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, ये आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे आई हैव अ वंडरफुल फैमिली, सेकेंड देयर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली। 6 मेंबर यानी अपने उसके फैमिली में कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। देयर आर माई फादर, उसमें फादर मदर सिस्टर ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एंड आई माई सेल्फ। उसमें कौन कौन है उसकी फैमिली में, 6 मेंबर है, उसमें फादर है मदर है सिस्टर है ग्रैंड फादर है ग्रैंड मदर है और वो खुद है। ओके, माई यानी आप खुद। ओके, माई फादर इज़ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ टीचर। उसके पापा हैं जो अपने अपने फैमिली के बारे में आपको अलग अलग आपके फैमिली में, जैसे कोई डॉक्टर है तो कोई टीचर है तो कोई कुछ बिजनेस करता है, तो सबके पेरेंट्स अलग अलग काम करते हैं। तो इसमें मैंने आपको जो लिख के दिया है आपको वो नहीं लिखना है, जो आपके पेरेंट्स करते हो वो आपको लिखना है। अगर वो नहीं आता है तो आप जो मैंने लिखवा है वही आप लिख के लर्न करना। तो देखिए इसमें मैंने क्या लिखवा है आपको कि माई फादर इज़ अ डॉक्टर, मेरे पापा डॉक्टर हैं एंड माई मदर इज़ अ सिस्टर। मेरी मम्मी क्या है, मेरी मम्मी टीचर है। माई फादर इज़ अ डॉक्टर एंड माई मदर इज़ टीचर, मेरे पापा डॉक्टर है और मेरी मम्मी टीचर है। माई फादर वर्क वेरी हार्ड ऑफ आवर फैमिली, वेरी। उसके बाद 6 नंबर पे माई मदर आल्सो हेल्प अस इन आवर होमवर्क, अपनी मम्मी अपने होमवर्क में हेल्प करवाती है ना, तो इसमें यही सुन बोला है कि मेरी मम्मी भी मेरी होमवर्क में मेरी मदद करवाती है। माई ग्रैंड पेरेंट्स टेल मी ब्यूटीफुल स्टोरीज, तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स मेरे दादा दादी हैं वो मुझे ब्यूटीफुल बहुत सुंदर स्टोरी सुनाते हैं। ओके, उसके बाद आई गो टू मार्केट विथ माई ग्रैंड मदर, यानी मैं अपनी दादी माँ के साथ मार्केट जाती हूँ या जाता हूँ। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद माई फैमिली हेल्प मी इन डेवलपिंग गुड हैबिट एंड आई लव माई फैमिली वेरी मच। ये लाइन आपको लास्ट में सब कंपल्सरी लिखनी है, आई लव माई फैमिली वेरी मच। आगे का आप चेंज करना हो तो आप कर सकते हो, जैसे आपकी फैमिली में 6 मेंबर नहीं है 4 ही है तो आप इसमें लिख सकते हो देर आर 4 मेंबर इज़ माई फैमिली, इसमें मैंने 6 लिखा है क्योंकि मेरी फैमिली में 6 मेंबर है। तो आपकी फैमिली कितने मेंबर हो आपको वो लिखना है। फर्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है, आई हैव वंडरफुल फैमिली, मेरे पास क्या है एक वंडरफुल फैमिली, बहुत ही सुंदर फैमिली है मेरे पास। उसके बाद देर आर 6 मेंबर इन माई फैमिली, मेरी फैमिली में 6 मेंबर है। अगर आपकी फैमिली में 2 मेंबर है या 4 मेंबर है तो आप लिख सकते हो कि मैं, खाली आपको क्या नंबर चेंज कर देना है यहाँ पे कि देर आर 4 मेंबर इन माई फैमिली, देर आर 3 मेंबर, जैसे आपकी फैमिली में जितने मेंबर हो उस हिसाब से आपको लिख लेना है। देर आर उसमें 6 मेंबर में कौन कौन से हैं, कौन कौन है, तो फादर मदर होंगे, सिस्टर होगी, ब्रदर होगा या ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एंड आई माई सेल्फ। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद आपको उसमें लिखना है कि आपके पापा क्या करते हैं, आपकी मम्मी क्या करती है। तो इसमें मैंने लिखा है कि मेरे पापा डॉक्टर है और मेरी मम्मी टीचर है, तो आपको लिखना है कि आपके पापा अगर बिजनेसमैन है या आपके पापा इंजीनियर है या आपके पापा लॉयर है या आपके पापा टीचर है या कुछ भी आपके पापा जो हो वो आपको लिखना है। और आपकी मम्मी अगर हाउसवाइफ है तो आप हाउसवाइफ लिखिए, अगर टीचर है जॉब करती है तो जॉब लिखिए, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं आप। पर जैसे अगर आपको दूसरा कुछ लिखना नहीं आता तो आपको उसको इसको ही लर्न करना। ओके, उसमें माई ये समझ में आ गया आपको कि मेरे पापा क्या है, बहुत वेरी वर्क हार्ड है फॉर हमारी फैमिली के लिए, बहुत वेरी वर्क हार्ड करते हैं। ओके, उसके बाद मेरी मम्मा भी मुझे होमवर्क में हेल्प करवाती है, मेरे जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो ब्यूटीफुल स्टोरी सुनाते हैं मुझे। आई गो टू मार्केट विथ माई ग्रैंड मदर, मैं अपने दादी माँ के साथ मार्केट जाती हूँ या जाता हूँ। माई फैमिली हेल्प इन माई डेवलप गुड हैबिट्स एंड आई लव माई फैमिली वेरी मच। ठीक है, ये हमारा जो माई फैमिली का कॉम्पो है इसमें मैंने आपको 10 लाइन लिख के बताई है, पर आपको इसमें से मिनिमम 5 लाइन तो लर्न होनी ही चाहिए, मिनिमम आपको 5 लाइन इसमें लर्न होनी चाहिए। आगे की अगर आप 4 लाइन लर्न करते हैं और लास्ट की आप अगर 1 लाइन लर्न करते हैं तो भी चलेगा। ये आपको लास्ट लाइन की लिखनी ही है कि आई लव माई फैमिली वेरी मच, मैं मेरी फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ या करता हूँ। ओके चिल्ड्रन, समझ में आ गया आपको, आपको मिनिमम 5 लाइन्स इसकी लर्न होनी चाहिए, यह आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। अभी के एग्ज़ाम में नहीं होगा तो 3rd में आपको ज़रूर आएगा।
कॉम्बो थर्ड में आता है, माई फैमिली, माई स्कूल, माई बेस्ट फ्रेंड। पर मैं आपको इसमें मैं सिर्फ एक ही करवाऊँगी, माई फैमिली। पहले आप ये पक्का कर लीजिए, फिर आपको दूसरा करवाऊँगी। ओके, समझ में आ गया आपको? ये क्या करना है, पहले हेडिंग डालनी है, राइट 5 sentences ऑन माई फैमिली। ऐसे आपको हेडिंग डाल के आपको पूरा 10 लिख लेना है CW में। आपको वन टाइम राइट एंड लर्न, आपको वन टाइम लिखना है और लर्न करना है। ये आज का आपका HW है, और पीछे भी आपको दे रहे हैं HW, पर ये आपको करना है पहले CW में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपको 6 lines दी हुई है, ये आपको फिल करनी है। माई फैमिली वो दूसरा है और ये दूसरा है। अगर ये आपको ईजी लगता है तो आप ये करना, वो लगता है तो आप वो करना। इसमें मैंने आपको आगे नाम नहीं इसमें लिखा हुआ है, इसमें मैंने आपको नाम लिखा है, और इसमें आपके कितने मेंबर वो जगह खाली रखी है, आपके पापा के नाम की जगह खाली रखी है, मदर की नाम की जगह खाली रखी है। आपको ये फिल करना है, आपको ये फिल करना है। पहले आपको ये लिख लेना है पूरा माय फैमिली, आपको ये पूरा CW में वन टाइम आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, ये कंप्लीट करने के बाद आपको मैं HW में दे रही हूँ कि आपको पहले अपना यहाँ पे माई फैमिली हेडिंग डाल के आपको अपना नाम लिखना है, कि माई नेम इज़ जो आपका नाम हो वो लिखना है। जैसे मेरा नाम अंजू है तो मैं लिखूँगी माई नेम इज़ अंजू। देर आर मेरी फैमिली में 6 members है तो 6 members इन माई फैमिली। माई फादर ही नेम जो मेरे पापा का नाम है वो लिखूँगी। ओके, और यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे हेल्प मी, माई स्टडी, ये सब में सेम आएगा, पर ये फादर और मदर सबके नाम अलग होते हैं, तो ये मैंने जगह खाली रखी है। एक आपके नाम की जगह खाली रखी है जो सबका नाम अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद सबके फैमिली मेंबर में सबके अलग अलग मेंबर होते हैं फैमिली में, सबके किसी में 2 होते, किसी में 3 होते, किसी में 4 होते, किसी में 5 होते, किसी में 6 होते, इसलिए ये मैंने आपको जगह खाली रखी है कि उसमें आपको मेंबर कितने होते हैं वो अपने आप अपनी फैमिली में काउंट करके लिखना है, कि आपकी फैमिली में फादर है, मदर है, सिस्टर है, ब्रदर है, ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, अंकल है, आंट है, कज़िन है, जो भी आपके विद फैमिली सारी रहती है जॉइंट फैमिली, तो उसमें जितने भी मेंबर आते हैं सबको काउंट करके आपको लिख लेना है। उसके बाद आपके फादर का नाम लिखना है, जो आपके पापा का नाम है वो लिखना है, क्योंकि सबके पापा का नाम अलग अलग होता है, इसमें मैंने यहाँ पे किसी का भी नाम लिखा नहीं है, वो अपने आप आपको फिल करना है। ये आपको मैं HW में दे रही हूँ। ओके, उसके बाद आपको आपकी मदर का नाम लिखना है, सबकी मम्मी का नाम अलग अलग होता है, तो वो अपने मम्मी, जिसकी मम्मी का नाम जो है वो लिख लेगा। उसके बाद लास्ट में मैंने आपको बोला ये कंपलसरी आपको लाइन ये वाली लास्ट में लिखनी ही लिखनी है, या लव माय फैमिली वेरी मच, आई लव माय फैमिली वेरी मच, ये आपको लिखना ही लिखना है। समझ में आ गया आपको? आज की वीडियो में हम इतना ही कर रहे हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको माय फैमिली जो कॉम्पो है या ऐसे है या जो भी आप इसको कॉम्पो भी बोलते हैं, ऐसे भी बोलते हैं, पर आपको अभी कॉम्पो ऐसे नहीं आएगा, ये आपको सिर्फ नॉलेज दी है कि आपको माय फैमिली के में आपको क्या क्या लिखना है, उसमें आप माय फैमिली आपको कहाँ से स्टार्ट करनी है, उसमें क्या क्या लिखना है, वो आपको पता होना चाहिए। समझ में आ गया आपको? ये मैंने 10 sentences लिखवाए हैं, जिसमें से आपको जो सेंटेंस ईजी लगता है वो लिखना है, और लास्ट और फर्स्ट वाला सेंटेंस आपको कंपलसरी लिखना है। ओके, फर्स्ट सेकेंड एकदम ईजी है, थर्ड भी ईजी है, फोर भी ईजी है, और लास्ट आपको 5 जो आई लव माई फैमिली वेरी मच वो आपको कंपलसरी लिखना है। ओके चिल्ड्रन, उसके बाद आपको क्या करना है, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपको माई नेम लिखना है, माई नेम इज़ लिखना है। उसके बाद देयर आर जितने मेंबर है वो आपको लिखना है। उसके बाद आपको फादर के नेम लिखना है, अपने फादर का नेम लिखना है जो आपके पापा का नाम हो। उसके बाद आपकी मम्मी का नाम लिखना है, और उसके बाद आपको लास्ट लाइन लिखनी है आई लव माई फैमिली वेरी मच। ये मैंने आपको सिर्फ आप फिल करने के लिए दिया है। अगर आपको ये लर्न होता है तो आप ये लर्न करो, आगे वाला लर्न होता है तो आगे वाला लर्न करो। आपको दोनों में से जो इजी लगे, आपको कोई भी 5 sentences आपको लिखने आने चाहिए। अगर आपको कोई पूछता है कि माय फैमिली के बारे में आप बोलो, कॉम्पो बोलो, 5 lines बोलो, 5 sentences बोलो, तो आपको आना चाहिए कि माय नेम इज़ ये, माय नेम इज़ ये, देर आर फिलिंग द ब्लैंक्स मेंबर इन माय फैमिली, माय फादर नेम, माय मदर नेम, माय मदर हेल्प मी माय स्टडी, आई लव माय फैमिली वेरी मच, आपको ये सब बोलना आना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, आज की वीडियो में मैं इतना ही कर रही हूँ। आज से मैंने माय फैमिली के बारे में आपको बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरा कॉम्पो करवाऊँगी या रिवीजन करवाऊँगी। ओके चिल्ड्रन, आज की वीडियो में इतना ही। इसको आप उसी तरह अच्छी राइटिंग में लिख के
लर्न करना और रीड करना. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू.